नीट परीक्षा धांधली में पूछताछ, बिहार में ईओयू का एक्शन तेज हो गया है। परीक्षार्थियों से पूछताछ का सिलसिला नोटिस मिलने के बाद भी अब चल रहा है, छात्र वहां पहुंचे हैं, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नीट परीक्षा धांधली में पूछताछ के बाद ये जो कार्रवाई हो रही है, बिहार में ईओयू का एक्शन तेज है। नोटिस मिलने के बाद वहां छात्र पहुंच रहे हैं, पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार में ईओयू का एक्शन जो है वो तेज हो गया है। नीट परीक्षा मामले में जो धांधली हुई थी उसमें जो सबसे बड़ा गढ़ अब तक निकल के सामने आया है वो बिहार है। हालांकि कई जगहों से ये खबरें आई हैं, कई जगहों से ऐसे अपडेट आए हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, लेकिन बिहार में पटना में कई ऐसे सबूत मिले हैं। FIR दर्ज होने के अलावा वहां पर पेपर लीक के भी सबूत थे। अब उसमें लगातार जांच चल रही है, ईओयू का एक्शन उसमें तेज हो गया है, अब परीक्षार्थियों से पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। ईओयू द्वारा लगातार नीट से जुड़े जो बच्चे हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, एक हमारे साथ गार्जियन है, उनसे बात करेंगे। आप लोगों को भी नोटिस दी गई? आप लोगों को भी नोटिस? हाँ, सूचना मिली है। सूचना मिली है, क्या कहा गया सूचना में? सूचना में यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया, और क्या कहा जाएगा? आपकी बच्ची एग्जाम दे रही थी? जी हाँ जी। क्या नाम है बच्ची का? ईशा भारती। कहाँ पे सेंटर मिला था? सेंटर सगुना मोड़ के पीछे था। देखिए, सगुना मोड़ के पास जो सेंटर है वो था, और अब जब ईओयू की नोटिस पहुंची है तो अपने बच्ची को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, बच्ची भी मौजूद है, उनकी उससे भी बात करेंगे। फिर आपको क्यों नोटिस दिया गया? आई डोंट नो, मेरे तो मार्क्स में मिनिमम। कितने मार्क्स आए हैं आपको? मतलब दो तीन बार जब शीट खोल रहे हैं नए मार्क्स दिखाए। क्या आपके अलावा किसी और लोगों को भी बुलाया गया, ऐसी कोई जानकारी, आपके करीबी लोग कोई? नहीं सर। आपसे क्या पूछताछ हुई? अभी कुछ नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूं। परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये तार पटना से जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी विस्तार से बताने के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास लिए चलते। प्रकाश, ये कौन से छात्र हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है? देखिए, नीट में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच पटना में, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई ईओयू, वो कर रही है। दरअसल तीन चरण है जहां पर ये कहा जा सकता है कि अलग अलग तरीके से नीट में धांधली हुई थी, जिसमें से एक का लिंक पटना में है, और पटना में पर्चा लीक का मामला है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था वो एग्ज़ाम से ठीक पहले उसे लीक कर दिया गया था, और एक खास जगह पर लर्न एंड प्ले एक जगह है जहां पर कि बच्चों को एक साथ रखा गया था, और वहां पर प्रश्न पत्र जो आए थे उसे बाद में जला दिया गया था, और उस जले हुए प्रश्न पत्र से मिलान करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसी सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ माफिया के लोग थे। तो अब 11 ऐसे अभ्यर्थियों को उनके अभिभावक के साथ, उनके गार्जियन के साथ उनको बुलाया गया है, जिसमें आज पहली जो लड़की थी, बच्ची थी, वो ईशा भारती थी, जो रहने वाली बख्तियारपुर की है, लेकिन सगुना मोड़ में दानापुर के पास जो है वहाँ उसका सेंटर था। तो ये जांच जो शुरू हुई है वो पर्चा लीक को मामला है। दूसरी जो जांच चल रही है वो ये है कि सेंटर्स बदले गए थे, यानी कि 1000 किलोमीटर दूर जो गुजरात है, गोधरा, वहाँ पर कुछ बच्चों को सेंटर्स पैसे लेकर के वहाँ दिए गए थे। इन बच्चों पर यह भी आरोप है कि इनसे पैसे वसूली किए गए थे 30 लाख से 40 लाख, और उसके एवज में एडवांस में ही चेक जो है वो साइन कराया गया था। तो ये सारे अपराध इकाई को सबूत मिले थे, जिस आधार पर वो नीट से कुछ जानकारियां मांगी थी, और फिर उस जानकारी के आधार पर इन बच्चों को नोटिस दिया गया है कि वो गार्जियन के साथ आए और उनकी पूछताछ होगी। तो इस कड़ी में पहली लड़की जो आई है, बच्ची आई है, वो ईशा भारती है, जिससे अंदर में पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद जब बाहर निकलेंगी तब पता चलेगा कि आखिर किन मुद्दों पर कौन से ऐसे सवाल थे जिससे उन्हें घेरने की कोशिश की गई और उससे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। जी विवेक, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले दर्शकों को बताता हूं, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रकाश, बिहार पेपर लीक पर यह बड़ी अपडेट है, माफिया सिकंदर ने पटना में अपने रिश्तेदार अनुराग यादव और उसकी मां रीना कुमारी को NHAI गेस्ट हाउस में ठहराया था। गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम लिखा है, अनुराग यादव के नाम के आगे है मंत्री जी। अब सवाल यह है कि आखिर किस मंत्री जी की सिफारिश पर नीट पेपर लीक के गैंग में शामिल अभ्यर्थी को पटना एयरपोर्ट के सामने NHAI के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया गया था, यह बड़ा सवाल है, और यहीं से कई तार निकलकर सामने आएंगे, बड़े बड़े माफियाओं का नाम सामने आएगा। यह अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम लिखा है, अनुराग यादव के नाम के आगे लिखा है मंत्री जी।
तो भाई ये मंत्री जी थे कौन, ये बड़ा सवाल है प्रकाश। बिल्कुल विवेक, ये सवाल उठेगा और जब जांच होगी तो जाहिर है कि लगता है कि अधिकारी जो है एनएच खान है वो जा रहे हैं इस गाड़ी से, जो ईओयू के एडीजी हैं वो इस गाड़ी से निकल रहे हैं, अंदर अधिकारी हैं जो अंदर जाएंगे और पूछताछ में होंगे। बहरहाल ये सिकंदर कौन है, ये किस तरह से माफिया बना? सिकंदर दरअसल बिहार सरकार में कनीय अधिकारी है जो जूनियर इंजीनियर है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है, उसे सस्पेंड करने का और तमाम विभागीय जांच करने का, क्योंकि वो जेल में है। तो दूसरी तरफ ये सिकंदर के जो भी लोग थे, करीबी लोग थे, रिश्तेदार थे, उनको ये नीट परीक्षा में इन पर आरोप है कि उन धांधली करा करके परीक्षा लीक के मार्जिन से वो माध्यम से इस तरह का काम कर रहे थे, जिससे कि सिकंदर को तो जरूर पकड़ा गया है लेकिन अब उसके लिंक्स खंगाले जा रहे हैं। और उसी में से एक आया है कि जो गेस्ट हाउस है एनएचआई का यहाँ पर पटना में, वहाँ पर आखिर कैसे वहाँ ठहराया गया था, कौन से मंत्री थे जिनकी चिट्ठी पर, जिनकी चिट्ठी के आधार पर यहाँ पर उन्हें ठहराया गया था, इसकी भी जांच होगी तो परत दर परत खुलेगी। क्या उसका लिंक, उस मंत्री का लिंक सिकंदर से किस रूप में था, मेरे जहन में यहाँ ये आ रहा है, ठहरने के लिए दिया गया? अगर किसी नाम के आगे लिखा है मंत्री जी तो वो ये बहुत हद तक ये हो सकती है बात कि वर्तमान जो चल रही है सरकार उसी में मंत्री जी हो, नहीं तो वैसे तो लिखने के लिए पूर्व मंत्री जी को भी लिख सकते हैं मंत्री जी, लेकिन बहुत हद तक ये बात मतलब मान लेनी चाहिए या फिर मानी जानी चाहिए, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है उसी में मंत्री हों, नाम किसी का भी हो सकता है। देखिए सिर्फ अगर मंत्री जी लिखा होता तो वहाँ तक तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था कि मंत्री जी कोई नाम हो सकता है, कोई मंत्री वाकई में हो सकते हैं, लेकिन जब लेटर नंबर भी साथ में लिखा हुआ हो तो ये तय है कि उस वो लेटर इशू किया गया था और वो जो लेटर इशू करने की जो प्रक्रिया है उसी के तहत वो जारी की गई थी, तभी जा कर के उनको एकोमोडेशन वहाँ मिला था। तो जो जारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मंत्री जी का सिर्फ मंत्री जी लिखना, पद का नाम लिखना, नाम नहीं लिखना, लेकिन जो लेटर है उससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस मंत्री के पास से दिया गया था, क्या मंत्री के की जानकारी में था, या फिर अगर जानकारी में ये बात नहीं थी तो क्या उनके पीएस ने अपने मन से चिट्ठी जारी कर दिया था। तो ये तमाम बातें हैं जो जांच में खुल करके सामने आएगी, लेकिन ये तय है कि सिकंदर के लिंक्स काफ़ी अच्छे थे, न सिर्फ नेताओं से बल्कि पदाधिकारियों से भी थे, तो इस लिंक्स की भी जांच होगी। एक तरफ ये लिंक है और दूसरा है कि नीट परीक्षा में उसकी क्या भूमिका थी, क्या जितने लोग इनसे जुड़े हुए थे उनकी भी कोई भूमिका थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में पर्चा लीक को लेकर के नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अत्यधिक मिडिल मैन होते हैं, कानून बनाए जाएंगे और विधानसभा में बोलचाल की भाषा में, वैसे ये हिंदी का शब्द है कि ऐसे लोगों के जितने ये मिडिल मैन होते हैं इनके लिंक्स वैसे भी अच्छे होते हैं क्योंकि काम ही इनका यही होता है।